हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको साहिली मेथड का टेस्ट प्रोसीजर। उससे पहले जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, बॉडी में एचबी का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है या एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। ये जो है आयरन और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ये जो है इमेचर आरबीसी के अंदर सिंथेसाइज होता है और बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। एच बी क्यों किया जाता है? एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए एच बी एस्टिमेशन किया जाता है। अब एनीमिया होता क्या है? इसमें आरबीसी और एच बी की नॉर्मल वैल्यू से रीडिंग कम हो, उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। एंड पॉलीसाइथीमिया किसको बोलेंगे? जिसमें नॉर्मल जो रीडिंग रहती है आरबीसी एंड एचबी की, उससे इसकी वैल्यू ऊपर की ओर जाए, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। एचबी की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, ये सबको पता होना चाहिए। एचबी की नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी? मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। इन्फेंट जो बच्चा रहेगा उसमें 14 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी एचबी की। एचबी कौन कौन से मेथड से किया जाता है? मैं जो बताने वाला हूँ आपको साहिली मेथड से, और भी मैं इनके नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है आप जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओ या एग्जाम में जो आप बीएमएलटी डीएमएलटी कर रहे हो उसमें आपसे इसकी मेथड पूछा जाएगा। तो साहिली मेथड है इसका, साइन मेथोग्लोबिलिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कलर स्केल है। कलर स्केल के ऊपर मैंने अभी वीडियो बना दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से उसका प्रोसीजर है करते हैं। एंड लास्ट जो है कॉपर सल्फेट मेथड है। तो इस तरीके से हम एचबी का एस्टिमेशन करते हैं और पेशेंट में एचबी की वैल्यू का पता लगाते हैं। अब टेस्ट अपन करवा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं एचबी का बॉडी में क्या फंक्शन होता है या बॉडी के अंदर एचबी का क्या काम रहता है। तो एचबी का ये जो है काम, जब आप सांस लेते हैं, या फिर इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मतलब इसका मेन फंक्शन रहता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुँचाना और टिश्यू से लंग्स तक CO2 को वापस लाना। तो ये इसका मेन फंक्शन है। एंड ब्लड पीएच को मेंटेन रखता है। तो ये इसके जो है मेन मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। एच बी की कम वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू हो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बता दिया है। एक बार और बता देता हूँ, याद रहेगा, और याद रखना, याद रखने वाली चीज़ है, भूलना ना आप। जब हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। सेम इसी का अगर अपन देखेंगे अपोजिट, जब हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से अधिक वैल्यू में आए उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। साहिली मेथड का टेस्ट प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, चलिए चलते हैं। आज देखेंगे साहिली मेथड से इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर किस तरीके से एच बी एस्टिमेशन करते हैं। इसके लिए हमको लगेगा डिस्टिल वाटर, कॉम्पोटर बॉक्स 0.1 N/10 SCL एंड ड्रॉपर एंड स्टेरर एंड लेंसेट रहेगा प्रिकिंग के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्यूब है, इसमें अपन को लेना है 2% तक 0.1 N/10 SCL। इसको इस तरीके से फिल करेंगे, इसमें ध्यान रहे बबल ना आए, और इसमें 2 मार्क तक इसमें लेवल हो प्रॉपर। इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे ये फिल होता है उसके बाद इसको अपन रखेंगे कंप्यूटर बॉक्स में अच्छे से। ध्यान रहे ये हिले डोले ना, और इसका जो सामने की ओर ये रहे इसका मार दिखने के लिए, ये इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब लेंगे पीपेड, ये जो रहा पीपेड है, एचबी पीपेड है, इसमें आपको दिखाई दे रहेगा 20 मार्क तक ये जो है मार्क बना हुआ है 20 माइक्रो लीटर। इसमें अपन ब्लड फिल करेंगे, चाहे वो EDT हो या फिंगर प्रिक वाला। तो इसमें इस तरीके से इसको प्रिक करेंगे, बोल्ड प्रिक करेंगे। बोल्ड प्रिक होने के बाद जो पीपेड है इसमें ब्लड को फिल करेंगे।
इस तरीके से ये जो है ब्लड आ गया, इसमें ध्यान रहे बबल ना आए और इसको फिलअप करना है इस तरीके से। ये मैंने लिया एक और बार इस तरीके से, ध्यान रहे 20 मार्क तक जैसे ही आता है इसको रोक देना, जो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली 20 मार्क तक आ जाएगा रोक देंगे 20 मार्क। अब ये इसके पीछे रबड़ वाला लगा हुआ है, रबड़ वाला, तो इसको अपन को पुश करके इसका जो ब्लड है इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है अपन को, किसमें, जो 2% 0.1 लिया था N/10 HCl उसमें। तो इस तरीके से मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ ये जो है, और ये डिस्टिल वाटर है, इसमें ये जो आपको रोड दिख रही है स्टेरर रोड, इसे मिक्स करते हैं इसको। ध्यान रहे इसको ब्लड को ट्रांसफ़र करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल यही बोलता है कि इसमें एसिड हिमेटेड रिएक्शन होता है। 5 से 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसमें डिस्टिल वाटर डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ध्यान रहे जब भी आप इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे तो साइड ऑफ ट्यूब से इसमें ऐड करना है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करना, साइड ऑफ बॉल से करेंगे तो इसमें प्रॉपरली जाएगा और दिखाई भी देगा। और इस तरीके से मिक्स करना है इसको प्रॉपरली। इसमें डिस्टिल वाटर अपन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। इसके दोनों साइड जो कंपैरेटर बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड लगी हुई है, ये कंपैरिजन करने के लिए है उसका कलर। ये जो है इसमें नंबर दिखाई दे रहा होगा ग्राम परसेंट, इसको अभी इस तरफ कर देंगे क्योंकि इससे अपन को कलर जो है क्लियर दिखाई देगा। चलिए तो इसमें करते हैं डिस्टिल वाटर को और ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस तरीके से डिस्टिल वाटर को किया ट्रांसफ़र, और फिर एक बार मिक्स करके कलर कंपेरिजन करेंगे। ये जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर इसमें डाला और स्टिरर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे इसका कलर मैच होगा अपन को वहीं पर रोक देना है। ये जो है आप देख रहे हैं ये कलर इसका लेफ्ट एंड राइट साइड जो कॉम्परेटर मतलब लगा हुआ कलर को कंपेरिजन करने के लिए, इससे अपना लगभग पूरे तरीके से मैच हो गया है। और इसका रीडिंग देखेंगे बाहर निकाल के कितना आ रहा है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 13 ग्राम पर डेसीलीटर तक इसका रीडिंग आ रहा है। ये जो है हम रीडिंग देंगे 13 ग्राम पर डेसीलीटर इसकी रीडिंग। तो इस तरीके से हुआ इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर कंप्लीट। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।